फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शहनाज आर्ट। आज हम आपके लिए लाए हैं ये कोटी का डिज़ाइन। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बिगिनर के लिए बहुत ही इजी है। देखें इसके ये छोटे छोटे पफ इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आप कोटी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्कार्फ बनाएं या शॉल बनाएं, ये सभी में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये डिज़ाइन किस तरह से बन के तैयार होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जिसके लिए भी डिज़ाइन जो भी बनाएं, शॉल, स्कार्फ, चाहे कोटी, उसी के हिसाब से आप चैन की लंबाई लें। इस तरह से फंदा ले लेंगे। चैन बना के तैयार करेंगे। देखें, ये मैंने इतनी लंबी चैन बना के तैयार कर ली है। अब देखें, इस चैन में आएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। आगे चैन में सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। इस तरह से देखें, ये इस तरह से हमारा बनके तैयार हो रहा है। इसी तरह हमें सभी चैनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करना है। मैं ये आपको पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने सभी चैनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है एंड तक। अब हम यहाँ पे एक चैन लेके इस तरह से घुमा लेंगे। इसमें आएंगे, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हमें चार चैन बनानी है, एक, दो, तीन, चार। यहाँ से चार चैन काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार। यहाँ से पांच बार फंदे निकालेंगे और पॉप बना के तैयार करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। इस तरह से पांच बार फंदे निकाल लिए हैं। इस तरह से बांधेंगे। आगे यहाँ पे चार चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। यहाँ से चार चैन काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार। चौथे चैन में आएंगे और इस तरह से बांध देंगे। इस तरह हमारा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे चार चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। यहाँ से चार चैन काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार। और पफ बनाएंगे। यहाँ पे पांच बार फंदे निकालेंगे। इस तरह बांध देंगे। चार चैन बनाएंगे। आगे यहाँ से चार चैन काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार। चौथे में आएंगे और इस तरह से बांध देंगे। चार चैन बनाएंगे।
यहाँ से चार चैन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, चौथे में आएंगे और इसी तरह एक पफ बनाएंगे। पांच बार फंदे हमने निकाले हैं और इनको इस तरह से बांध देंगे। अब हम यहाँ पे चार चैन बनाएंगे, देखिए यहाँ से चार चैन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, चौथे चैन में यहाँ बांध देंगे। एक चैन बना के इस तरह घूम जाएंगे। देखिए हमारी पहली लाइन इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब देखिए जो हमने चैन बनाया है इसके अंदर से इस तरह से चार बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया हमने, 2 3 4, आगे इसमें आएंगे, इसी तरह से चार बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ आएंगे, दो चैन बनाएंगे यहाँ और यहाँ लाके बांधेंगे इस तरह से। चार बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक ही हमने बना लिया है, 2 3 4। इसमें आगे वाले में आएंगे, चार सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे, 1 2 3 4, दो चैन बनाएंगे यहाँ, 1 2, आगे यहाँ आएंगे और इस तरह से बांध देंगे। चार सिंगल क्रोशिया यहाँ बना के तैयार करेंगे। इसमें आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह ही हमारी लाइन बन के कंप्लीट हो गई है। एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे। अब यहाँ पे हमें तीन चैन बनानी है, 1 2 3, और देखिए जो सबसे आखिरी वाला है इसमें से इस तरह से पफ बनाएंगे। पांच बार फंदे निकालेंगे यहाँ पे, बांधेंगे। अब यहाँ पे हमें चार चैन बनाना है, इसमें आएंगे और इस तरह से बांध देंगे। चार चैन लेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे, देखें जहाँ हमने दो चैनें बनाई थी इसमें आएंगे और पफ बनाएंगे। इसी तरह का एक पफ यहाँ बना के तैयार करेंगे। सभी को बांध देंगे, चार चैन बनाएंगे। देखें यहाँ पे लाके इस तरह से बांध देंगे। देखें इन दोनों पफों के बीच में हमारा ये पफ बन के तैयार हो रहा है। अब आगे देखें यहाँ पे हमें चार चैन बनाना है, इसमें आएंगे, पफ बनाएंगे, इसमें बांधेंगे, चार चैन लेंगे,
देखें, इसमें लाके इस तरह बांध देंगे। चार चैन बनाएंगे और देखें यहाँ आखिरी में पफ बना के तैयार करेंगे। देखिए इस तरह हमारी ये लाइन बन गई है। अब इस तरह से घुमा लेंगे। अब देखें इसमें चार बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमने बना लिया है। इसमें आएंगे, यहाँ दो चैन बनाएंगे और चार बार सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। इसमें आएंगे, चार बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो चैन बना के। इसमें आएंगे, चार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे चार सिंगल क्रोशिया, दो चैन बना के इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया चार बार। अब देखें यहाँ पे हम चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, इस तरह से घुमा लेंगे और इसमें पफ बनाएंगे। पांच बार फंदे हमने निकाल लिए हैं और इस तरह बांध देंगे। चार चैन बनाएंगे, इसमें बांधेंगे। चार चैन लेंगे, यहाँ चार चैन लेके अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। चार चैन बनाएंगे, देखें ये जो पफ के हैं इसके बीचों बीच से इस तरह से फंदा बांधेंगे। चार चैन बना लेंगे और इसमें एक पफ बना के तैयार करेंगे। चार चैन बना लेंगे और देखें यहाँ आखिरी में लाके इस तरह बांध देंगे। देखें ये हमारी लाइन इस तरह से बनके कंप्लीट हो गई है। एक चैन लेके इस तरह घूम जाएंगे। देखें इसमें इस तरह से चार बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक हमने बना लिया है। इसमें आएंगे, चार सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। दो चैन बनाएंगे, इसमें आएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तरह से लाइन बनके कंप्लीट हो गई है। देखें यहाँ इस तरह से घूम जाएंगे, तीन चेन यहाँ बनाएंगे। और देखें अब ये हमारी ये वाली लाइन यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। देखें ये नीचे वाली लाइन हमारी यहाँ रिपीट हुई है और ये वाली लाइन हमारी यहाँ अब रिपीट होगी। यहाँ पे इस तरह से पांच बार फंदे निकाल के एक पफ बना लेंगे। बांधेंगे, चार चेन बना लेंगे और देखें यहाँ इस तरह से बांध देंगे। चार चेन लेंगे, इधर पफ बनाएंगे, चार चेन बनाएंगे, यहाँ बांध देंगे। देखें यहाँ चार चैन लेने के बाद यहाँ आखिरी में एक पफ बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह बांध देंगे। तो देखें फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। देखें ये हमारी लाइन यहाँ रिपीट हुई थी और ये वाली लाइन हमारी यहाँ रिपीट हुई है। देखें इन दोनों के बीच में हमारा ये पफ बन के तैयार हुआ है और इसके ऊपर वाली लाइन में इन दोनों के बीच में ये पफ, और देखें इन दोनों के बीच में ये पफ बना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन अब बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आप अपना डिज़ाइन पूरा बना के कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। Thanks for watching this video. Bye friends.